मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग उपोषित सील में मैंने आपको बताया था कि पंच सील में और उपोषित सील में ज्यादा अंतर नहीं होता। पांच जो सील होते हैं उनका जो तीसरा सील होता है जिसमें कामेशु मिखा चारा जो होता है, कामेशु मिच्छा चारा वाला, उसमें ए बही चरिया होता है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और इसका जो छठा सील है वो है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदंग समादयामी। विकाल भोजना वेरमणि, विकाल भोजना क्या होता है, यानी कि विकाल भोजन करना। अब पहले काल भोजन समझें कि काल भोजना क्या होता है। काल भोजना वो होता है जो समय से आप भोजन करते हैं। समय से भोजन करने का मतलब है कि आपने एक तो उस समय भोजन करना है जो विनय के नियम में निर्धारित है, यानी कि पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो सर पे अगर सूरज आ जाए और आपकी परछाई ना आगे गिरे ना पीछे गिरे ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे, यानी कि आपकी परछाई जमीन में कहीं ना दिखाई दे, सूरज बिल्कुल ऐसा हो सर पे आए, और तो उसके बाद में आपको भोजन नहीं करना है। आपको मतलब भिक्कू को भोजन नहीं करना है, या उस दिन जो उपोषित करने आया है, उपवास करने आया है और जो विपस्सना साधना करने आया है उसके लिए है, यानी या तो भिक्कू के लिए है या भिक्कुणी के लिए है। भिक्कू भिक्कुणी के लिए तो रोज का नियम है, और जो उपोषित करने आया है उस दिन उपोषित का नियम है। बाकी जो आम आदमी है उनके लिए नहीं है, उनके लिए सिर्फ पांच सील है, ये छठा सील उनके लिए नहीं है, ना सातवां है ना आठवां है। तो विकाल भोजन का मतलब है कि अगर उस धूप के बाद में यानी परछाई आगे हो गई तो फिर आपने भोजन नहीं करना है। ऐसा नियम क्यों बनाया है? ऐसा नियम इसलिए बनाया है क्योंकि विपस्सना साधना जो लोग करते हैं, या आप जब कभी विपस्सना साधना करने विपस्सना के सेंटर में जाएं, या घर पे कभी साधना करके देखें, आजकल वीडियो पे अवेलेबल है, तो आप ये पाएंगे कि अगर ज़्यादा खा लेता है यानी पेट भर लेता है पूरा 100% का 100%, पांच रोटी की भूख है पांच खा लेगा तो बैठ नहीं सकता, विपस्सना साधना नहीं करेगा तो टकार आएगी, तो पेट में गड़गड़ होगी, तो गैस बनेगी, तो आलस आएगा, तो जगा हुआ नहीं रहेगा, तो साधन नहीं कर सकता। 20% कम खाएगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, और अगर कम खाएगा, बहुत कम खाएगा तो भूख लगेगी तब भी विपस्सना नहीं कर सकता, क्योंकि बीमार और भूखा आदमी साधना तपस्या नहीं कर सकता। ये भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से चेक कर लिया, जब वो भूख से बिल्कुल मरने वाले थे तब उन्होंने पहली बार कहा कि एक ऐसा शरीर जो बीमार है भूखा है वो साधना में रत नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने खाया। तो यहाँ जो विकाल भोजन है उस भोजन को कहते हैं। इसके अलावा विकाल भोजन में भोजन का चूंकि बहुत सारा उन्होंने बताया है, आपने ऐसा भोजन भी नहीं करना है जो आपको अत्यधिक अलग तरह की ऊर्जा दे, तो जिसको कहते हैं कि ऐसी तरंगे दे जो अग्नि की तरंगे पैदा है, फिर अग्नि अग्नि आएगी चारों तरफ। जैसे आप अदरक का पानी पी के अगर मान लो विपस्सना बैठते हैं तो आप ध्यान देंगे कि चारों तरफ गर्म ऊर्जा आ रही है, या गर्म पानी पी के विपस्सना करेंगे तो आपको शरीर में ऊर्जा दिखाई देगी, तो वो नेचुरल नहीं रहेगी, वो फिर क्या है कि आर्टिफिशियल हो जाएगी। इसलिए खाना बिल्कुल सादा और सिंपल खाना खाएं तो आपको विपस्सना साधना में आसानी रहेगी। एक उन्होंने भोजन की मात्रा का बहुत ज़्यादा उदाहरण दिए हैं धम्मपद में भी और पूरे पाली के अंदर, भिक्षुओं को लगातार बताया है कि एक व्यक्ति, एक भिक्षु अगर भोजन की मात्रा नहीं जानता कि कितनी लेनी है तो वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, वो ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो धम्म नहीं सीख सकता। इसलिए भोजन की मात्रा सारे विनय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भोजन आपको रोज लेना है, इसलिए विकाल भोजन को मना किया गया है। विकाल भोजन से अलग रहना है, विनय के नियम से अलग रहना है, ये उपोषित का खास तौर से नियम है। बहुत से लोगों ने क्या किया बाद में, क्योंकि जो उपवास है उसको कह दिया कि हम तो उपवास में हैं आज, उपवास का मतलब फास्टिंग हो गया, फास्टिंग का मतलब भूखा रहना हो गया, भूखा रहना नहीं है फास्टिंग का मतलब, उपवास का मतलब है अपने घर से निकल के उपवास करना है किसी भिक्खु में, किसी विहार में, किसी शाला में, किसी जहाँ उपोषित करते हैं वहाँ जहाँ रहते हैं एक दिन, उसको उपवास बोलते हैं। और विकाल भोजन करना है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन अन्न नहीं खाएंगे, इसमें अन्न का और फल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कुछ भी खाइए मगर खाना सादा होना चाहिए, चाहे अन्न खाइए चाहे जल खाइए चाहे तरल पदार्थ खाइए चाहे खिचड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने जो खाना है उसकी मात्रा का ध्यान रखिए और उस समय के बाद नहीं खाना है। और ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में खाते रहेंगे, कहेंगे कि मैंने तो फल खाया है, अन्न नहीं खाता मैं तो फल खाता हूँ, आप 20 किलो फल ठूंठ ठूंस के खा लें उसके बाद कहें हमने तो कुछ खाया नहीं क्योंकि अन्न नहीं खाया,
उससे बेहतर है कि आप एक रोटी खा लें, जो विकल है वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ अन्न का या खाने की जो क्वालिटी है या खाने में क्या खाना है, इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का जिक्र है और खाने के समय का जिक्र है और खाने की मात्रा का ध्यान है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।